हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विंग ट्रेनर। सिग्नल कंफर्म होने के बाद जब अपन एंट्री लेंगे तो बीच में एक हाइक यानी कि रिवर्स आते हैं, तो ऐसे पोजीशन में क्या कर सकते हैं? यानी कि हम सिग्नल एंट्री लेते हैं, कभी कभी सबकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया होगा सिग्नल जो कंफर्म होकर एंट्री लेते हैं, तो यानी कि थोड़ा बहुत तो छोटा प्रॉफिट में होगा, तो हमने टारगेट थोड़ा सा तीसरा टारगेट लगा के हमने वेट किया, तो बीच में अगर एक पॉइंट या दो पॉइंट नीचे गिरने के बाद एक हाइक पकड़ते हैं, यानी कि वहाँ पे एक बड़ी सी साइड पे आते हैं, इसी मौके पे हमको एक्सिट करना चाहिए कि यानी कि वहाँ पे वेट करना चाहिए। सबके मन में ऐसे कन्फ्यूजन बार बार आते हैं, ऐसे पैनिक सिचुएशन में कभी कभी हम गलती भी कर बैठते हैं, यानी कि कभी कभी वहाँ पे लॉस में एक्सिट कर बैठते हैं। तो ऐसे सिचुएशन आने के बाद जब हमने इनकेस पैनिक होकर एक्सिट किया, उसी के बाद मार्केट सेम वही मोमेंट पकड़ते हैं, तो उसी टाइम हमारा गलती, जब गलती हो चुकी है उसी के बाद हमको बढ़ते अरे मैंने गलती कर दिया, तो ऐसे कभी कभी सबने सोचा होगा। तो ऐसे मौके पे आज की सेम ऐसे एक मोमेंट दिखा रहे थे, यानी कि कॉपर की चार्ट के थ्रू फिलहाल सामने ओपन है, वो कॉपर की नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ऐसे मोमेंट्स में आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट कट डेब्रेक लाइन आज का मार्केट ओपन है, इसमें कॉपर यहाँ से मार्केट आज की ओपन हुई थी, उसी के बाद टोटली 5 सिग्नल दिया है, एक रेड कलर डाउन आ रहा हो सेल सिग्नल है, एक ग्रीन कलर अप आ रहा हो बाई सिग्नल है। ओके, दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल अलर्ट के साथ आएगा, साथ में आपको पूरी डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगा, और लेटेस्ट सिग्नल अभी फिलहाल सेल की दिया हुआ है, तो वो 2:50 में आए थे, 3 टारगेट नीचे मेंशन किया है, एक स्टॉप लॉस भी। ओके, तो सारा डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगा। ठीक है, और इसमें आप ये लेटेस्ट सिग्नल फिलहाल बनी हुई है और उसका कंफर्मेशन लेवल, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कंफर्मेशन चेक करने के बिना कोई सिग्नल एंट्री नहीं ले सकते। आपको जब सेल सिग्नल बनते हैं तो आपको सबसे पहला कंफर्मेशन कैंडल कलर देखना है, दूसरा नीचे वॉल्यूम बार, फिर प्राइस इन सेल जोन, अगर बाई है तो भी सेम ऐसे ही आपको देखना है, कैंडल कलर ग्रीन में बनना चाहिए, नीचे ग्रीन और बाई जोन बनना चाहिए। अगर ये तीनों ओके है तो दूसरी कैंडल का ओपनिंग डेट को एंट्री ले सकते हो। साथ में ब्लू कलर स्टार ब्रेक किया तो वो पोजीशन मिलेगी, यानी कि सपोर्ट लेवल ब्रेक करने की पोजीशन लेंगे तो एक्यूरेसी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब कैंडल यानी कि कंफर्मेशन आपको ये दूसरी कैंडल में, ये दूसरी कैंडल रेड बनेगी तो वहाँ पे हुई थी, अप्रोक्सीमेट आपने एंट्री लिया है तो ये तीसरी कैंडल पे अप्रोक्सीमेट 637.81 में आपने एंट्री लिया है, तो 36 तक जाकर एक हाइक यहाँ पे एक बड़ी सी साइड पे दिया है, तो किसी ने एंट्री यहाँ पे 637 में लिया था, वो तीसरे टारगेट अभी 34 का यहाँ पे दिया है, तो ये 34 लगाकर आप वेट कर रहे थे, यानी कि सामने से देखूंगी तो कंफर्मेशन लेवल भी सपोर्ट भी तोड़ चुकी है, तो मैंने वो सामने सही तरीके से एंट्री लिया है, फिर भी हाइक पकड़ा है। ऐसे मौके पे हम क्या करेंगे? तो सबको, तो हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये चक्कर ये लेंगे, तो ये साइड वे यानी कि होलो कैंडल्स यहाँ पे दे रहे साइड वेज है, यानी कि एक्स्ट्रा कलर यहाँ पे दे रही है साइड वेज है, पर ये जो बड़ी सी साइड वे यहाँ पे बीच में आते हैं, तो मेन चीज आपको दो तरीके से आप चेक कर सकती है, एक तो साइड वे आने के बाद आपको नीचे का वॉल्यूम बार सेम आपको वही कलर दे रहा है, यानी कि सेल दिया है तो सेल ही दे रहा है क्या, ऐसा है तो आप पैनिक मत होइए, थोड़ा वेट कर सकते हो, यानी कि आराम से वेट कर सकते हो, आपको जब तक थोड़ा मार्केट हाइक पकड़ेगा तो फिर भी नीचे आ ही जाएगा ऑब्वियसली। और दूसरा आपको देखना है साइड वे आने के बाद ऑब्वियसली आपको रेसिस्टेंस या ये ऊपर दिख रहा है, तो यानी कि सेल दिया है तो रेसिस्टेंट ब्रेक कर रहा है क्या, यानी कि बाई दिया है तो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है क्या। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, अगर रेसिस्टेंट ब्रेक किया तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो, यानी कि वो काफी रिवर्स होने का चांस है। अभी यहाँ पे रेसिस्टेंट ऑलरेडी ब्रेक नहीं किया तो इसके लिए अभी भी कैंडल रेड दिखा रही है, इसके लिए आपको होपफुल है तो आपको आराम से वेट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। ऑब्वियसली री एंट्री भी दिया है, तो यानी कि 3:40 के अंदर री एंट्री भी दिया था। ओके, तो इसके लिए आराम से आपको वेट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट नीचे आ ही जाएगा। ओके, तो इसमें मॉर्निंग में बाई का अच्छी तरह प्रॉफिट मिली थी, यानी कि तीसरी कैंडल में यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन के बाद हमने 6:35 पे एंट्री लिया है तो 39 तक गए थे, फिर अगेन एक बाई सेल दिया था, वो सेल बिना कन्फर्म होकर फिर अगेन ऊपर चली गई, तो दोबारा आपको 6:38 से दोबारा एंट्री मिला है 41 तक, यानी कि दोनों बाई साइड में से आपको अच्छी तरह प्रॉफिट मिला है, तो आराम से कन्फर्मेशन है। तो जो सेल आए थे वो कभी कभी इतना ऊपर जाने के बाद एक ब्रेकआउट बनते हैं, थोड़ा बीच बीच में साइड वे देख रही है, यानी कि वहाँ पे ब्रेकआउट होने के लिए थोड़ा पकड़ पकड़ के दे रहा है, तो ऐसे मौके पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सपोज सोच कर बैठते हैं यानी कि इतना ऊपर जाएगा तो वहाँ पे नीचे आ जाएगा ऑब्वियसली,
यानी कि एंट्री लेने के बाद एक हाई कभी कभी ऐसे पकड़ता है मार्कर, तो वो सपोजिशन में आप पैनिक मत होइएगा, ये कंफर्मेशन आप देखेंगे तो आराम से मार्केट का वेट कीजिए, आराम से नीचे आ ही जाएगा। ओके, तो ये रेड कलर ही अभी दे रही है, इसके लिए होपफुल है आपको नीचे आने का चांस है अभी भी, ठीक है। और सेम उसी के अलावा मैं फॉरेक्स का भी दिखा रही थी, या फॉरेक्स में 30 टाइम फ्रेम सेट करना है, तो बाई का लगभग 26 तारीख यानी कि कल बनी थी, तो अप्रोक्सीमेट एंट्री पॉइंट ऊपर लिखा है, नीचे तीन टारगेट, पर कल कंफर्म नहीं था तो आज कंफर्म हुई है। रेसिस्टेंस यहाँ से ब्रेक किए थे अप्रोक्सीमेट 1.2036 में, तो अप्रोक्सीमेट 2082 यानी कि 300 पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट ऊपर चढ़े थे, फिलहाल डाउन दिखा रहे थे, अगेन यहाँ पे ब्रेक करेगा, दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, अभी भी आप वेट कर सकते हैं, यानी कि अभी भी कैंडल ग्रीन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इक्विटी मार्केट का आप देख सकते हो, फर्स्टली मैं निफ्टी दिखाऊंगी, नेक्स्ट बैंक निफ्टी का यहाँ पे देख सकते, अभी फिलहाल मैंने ओपन किया, साथ में पिवट का इंडिकेटर भी डाल के ओपन किया था, सेम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखे 8.1 पिवट, ये पिवट का इंडिकेटर यानी कि सेम सपोर्ट सिस्टम के काम आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉर्निंग में बाय सिग्नल दिया था अप्रोक्सीमेट 10:05 में, एंट्री पॉइंट 16,509 है, तीन टारगेट है, रेसिस्टेंस यहाँ से ब्रेक किए थे अप्रोक्सीमेट ये कैंडल में 16,527 से, आराम से अच्छी तरह मार्केट ऊपर गए थे, 137 पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, बीच में एक साइडवे दिया है, तो वो साइडवे में वैसे ही मैंने आपको बताया थे, वो चेक करूँगी तो आपको आराम से तो आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे एक्सिट करना ही है। तो यहाँ पे छोटी सी ब्रेकआउट हुई थी, पर आपको एक्सिट किया तो भी दोबारा आपको फिर से ब्रेकआउट, पर ऑलरेडी उसी टाइम तीनों टारगेट अचीव किया था, ठीक है। और सेम बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम एक हाइक पकड़ के ओपन हुई थी, कंफर्मेशन के बाद अपन ने 36,522 में एंट्री लिया था, आराम से ऊपर जाकर अभी 36,746 तक गए थे, यानी कि 200 पॉइंट्स ऑलरेडी अचीव हो चुकी थी। ओके, तो उसी के बाद फिर अगेन एक सेल आए थे, सेल कन्फर्म नहीं था, अगेन एक बाय आए थे, बाय आकर जब कन्फर्म था फिर क्लोजिंग हो गया, ठीक है। और सेम इन्फी में भी वन साइड मोमेंट था, और TCS में भी वन साइड मोमेंट है, और साथ में यहाँ पे वोल्टास का भी चार्ट ओपन किया, एक हाइक पकड़ के यहाँ पे नीचे ओपन हुई थी, साथ में लास्ट में बाई दिया था, वो भी तीनों टारगेट अचीव किया था। इन्फी में आप चेक कर सकते हैं, मॉर्निंग में सिग्नल आया था, दूसरी कैंडल में ही कन्फर्म हो चुकी थी ऑलरेडी, तो रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अप्रोक्सीमेट 1457 में आपने एंट्री लिया था, 57 से सीधा एक हाइक है, तो यानी कि 1472 तक मार्केट गया था, अप्रोक्सीमेट 15 पॉइंट्स के हिसाब से हासिल किया है, री एंट्री भी लास्ट में क्लोजिंग में दिया था, पर वो लेने लायक नहीं है। TCS में भी वन साइड मोमेंट है, वन साइड मोमेंट जब आया था कन्फर्म नहीं था, जब ब्रेकआउट हुई थी अप्रोक्सीमेट 3136 में अपन एंट्री ले सकते थे, वन साइड मोमेंट है 95 तक गए थे, ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते 50 के ऊपर हासिल किया, वन साइड मोमेंट है, आंख बंद कर आपको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सेम माइंची में भी देखिए, माइंची में भी सेम आपको जो 9:55 को यानी कि अप्रोक्सीमेट 10:00 उसी टाइम में सिग्नल दिए थे, पर कंफर्मेशन के बाद अपन ने एंट्री लिया 11:00 यानी कि 3072 में एंट्री लिया था, वहाँ से ब्रेकआउट हुई थी, उसी के बाद वन साइड मोमेंट है 3142 तक, यानी कि आराम से यहाँ पे सिग्नल दे रहे, कंफर्मेशन कहाँ पे हुई थी, ब्रेकआउट कहाँ पे हुई सामने से आपको दिख रहा है, सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई ऐसे दिमाग लड़ाने वाले कोई चीज ही इसमें नहीं है। ओके, तो सेम उसी के अलावा आपको वोल्टास भी देख सकते, एक हाइक पकड़ी यानी कि कल की सेल की कंटिन्यूएशन मॉर्निंग में गए थे, यानी कि इतना डाउन जाकर ओपन हुए थे, सेम वहाँ पे एक बाई दिया था, बाई बहुत देर तक साइडवे जाने के बाद ही ब्रेकआउट हुई थी, वो भी बीच बीच में साइडवे था, ऐसे मौके कभी बीच में साइडवे दे रहे, मैंने पहले बोला था स्कैल्पिंग कर सकते हो, नहीं तो फर्स्ट टारगेट एक्सिट होके दोबारा एक्सिट होके यानी कि तीन बार ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 2:00 के बाद आराम से ब्रेकआउट हुई थी, वहाँ पे सीधी तरफ बाई ही गए थे, तब तक मार्केट फ्लक्चुएशन था पर फिलहाल बाई जोन में था, ठीक है। तो ऐसे मौके पर आपको एंट्री लेना ही है, तो फर्स्ट टारगेट एक्सिट करो पहले, तो उसी के बाद जब ब्रेकआउट बनेगा दोबारा टारगेट के लिए कोशिश कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है तो कॉल कीजिए मुझे, मैं आपको हेल्प करूंगी। तो ये टोटली आज के मार्केट यानी कि इक्विटी है, कमोडिटी है, फॉरेक्स की लाइव परफॉर्मेंस दिखाया था आज मैंने आपको, यानी कि सिग्नल देने के बाद यानी कि कभी कभी बीच में एक हाइक पकड़ते यानी कि साइडवे दे रहे थे, ऐसे मौके पे आपको क्या कर सकते हो, यानी कि कभी कभी पैनिक होकर सब गलती कर बैठते हैं, ऐसे गलती क्योंकि सोच समझकर हमको फैसला लेना चाहिए, यानी कि कभी कभी क्या है ना, तीसरी टारगेट एंट्री हम एक हाइक पकड़ेंगे तो वहां से लोज होता है, तो वो मौके पे आपको सॉफ्टवेयर जैसे बोल रही है वैसे ध्यान से आपको आराम से फॉलो करेंगे तो आपको अच्छी तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है।
Thank you for watching this. Thank you very much.